हाय बच्चा वेलकम बैक टू फ्रैंकलिन बायल क्लासेस दिस इज़ उमर अहद तो एज़ यू नो हमारा चल रहा है सीरीज़ फॉर ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक है ना तो वे आर कवरिंग नीट एज़ वेल एज बियड द नीट टॉपिक्स इन दिस वेरी सीरीज़ अभी तक हम इस सीरीज़ में डायजेशन फिनिश कर चुके हैं एंड रेस्परेशन फिनिश कर चुके हैं सो करेंटली हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ ब्लड uh, सर्कुलेशन या हम सर्कुलेटरी uh, सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारा प्रीवियस क्लास था हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बेटा डिस्कशन किया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं बेटा वो हमने समझा था एंड हमने देखा कि सर्कुलेटरी uh, सिस्टम हमारी बॉडी में कैसे न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन एक्सक्रीशन रेस्पायरेशन रेगुलेशन एंड हार्मोनल ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है हमने ये भी देखा बिसाइड्स हैविंग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमारे में लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है और हमने समझा कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है तो फिर हमने डिटेल में स्टडी करना शुरू किया है ब्लड को और हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि ब्लड प्लाज्मा uh, का बनता है एंड फार्म मतलब ब्लड के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा होता है एंड फॉर्मड एलिमेंट्स होते हैं एंड प्लाज्मा के अंदर आपने देखा था परसेंटेज 55 परसेंट होता है एंड फॉर्मड एलिमेंट्स का परसेंटेज 45 परसेंट होता है फिर हमने ये भी देखा लास्ट क्लास के अंदर कि प्लाज्मा की अगर मैं खाली बात करूँ तो प्लाज्मा में तीन मेजर चीज़ें होती हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेज ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज एंड वाटर जिसमें से वाटर अकेले बेटा हमारे ब्लड का नाइन्टी टू नाइन्टी टू परसेंट बनाता था ठीक है ना ऑर्गेनिक सबस्टेंसिस बेटा एट टू नाइन परसेंट बनाती थी एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंसिस वन परसेंट के आसपास थी इन ऑर्गेनिक सबस्टेंसिस में अगर आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन याद रखना पड़े तो क्वेश्चन था बेटा अरेंज द इनऑर्गेनिक सबस्टेंसिस ऑफ प्लाज्मा अकॉर्डिंग टू दियर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर और जिसमें आपने याद रखा था कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट या जो आयन हमारे ब्लड में मिलता है दैट इज़ क्लोराइड आयन बेटा और इसका कम्पोजिशन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली फोर हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड मिलीग्राम्स पर हंड्रेड एम एल आ ब्लड होता है फिर अगर हम सेकेंड की बात करें सो दैट वॉज़ सोडियम उसके बाद हमारे पास बेटा सोडियम के बाद पोटेशियम होता था पोटेशियम के बाद कैल्शियम होता था फिर फॉस्फेट था एंड सबसे कम कॉन्सनट्रेशन में कौन मिलता था मैग्नीशियम मिलता था इन द प्लाज्मा ठीक है ना फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर हम सेल के साइटोप्लाज्म की बात करें सेल के साइटोप्लाज्म में बेटा सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर सोडियम कम होता है एंड पोटेशियम ज़्यादा होता है लेकिन इसका अपोजिट अगर देखा जाए तो ब्लड के अंदर बेटा सोडियम ज़्यादा होता है एंड पोटेशियम कम होता है फिर हमने कुछ सॉल्ट्स की बात करी थी जिनको मैंने ब्लड सॉल्ट्स बोला था जिसमें एन मैक्सिमम था एंड इसके अलावा कुछ और सॉल्ट्स और भी पाई जाती थी ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज की बात करें तो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज में लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बोला था बेटा कि ब्लड के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन होता है तो ऑर्गेनिक कम्पोजन में हमने विटामिनस का बात किया था हमने ग्लूकोज का बात किया था हमने फैटी एसिड्स एंड एमाइनो एसिड्स का बात किया था एंड प्रोटीन्स का बात किया था जिसमें ग्लूकोज के बारे में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना था कि नॉर्मल ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड की होती है 80 टू 100 मिलीग्राम्स पर 100 एम एल ऑफ ब्लड अगर इससे नीचे गया तो हाइपोग्लाइसीमिया इससे ऊपर गया तो हाइपर ठीक है ना फिर आपने कोलेस्ट्रॉल एंड यूरिया के बारे में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखी थी ठीक है ना सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट क्लास जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा तो आज की क्लास में कुछ वैल्यूज आपको अगेन थोड़े से याद रखने पड़ेंगे चलो हम आगे देखेंगे तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं बेटा अगेन प्लाज्मा से बिकॉज प्लाज्मा हमने लास्ट टाइम पे पूरा कंप्लीट नहीं किया बिकॉज हमने प्लाज्मा के बेटा प्रोटीन्स का डिस्कशन नहीं किया तो बिकॉज प्रोटीन में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आज हम थोड़ा बहुत बेटा फॉर्मड एलिमेंट्स को पढ़ने से पहले किसका डिस्कशन करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स का डिस्कशन करेंगे अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा कि अगर हम प्लाज्मा के ऑर्गेनिक कंपोजिशन की बात करें या ओवरऑल और ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज की बात करें तो ऑर्गेनिक सबस्टेंस प्लाज्मा में कितनी होती थी बेटा एट टू तो नाइन परसेंट होती थी आठ से नौ परसेंट ऑर्गेनिक सबस्टेंसेज पाई जाती थी और इन आठ से नौ में बेटा अगर मैं खाली प्रोटीन्स की बात करूँ तो प्रोटीन बेटा सिक्स टू एट परसेंट पाए जाते थे सो बिकॉज दे आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन द प्लाज्मा तो इसलिए हमें इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो फॉर अस एज वेल एज फॉर ब्लड बेटा तो हम शुरू करते हैं पहले प्लाज्मा प्रोटीन से जिस प्लाज्मा प्रोटीन को हम बोलते हैं और ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो इनको अच्छे से समझ लेना एल्बुमिन की बात करते हैं बेटा जो पहली चीज़ आप याद रखेंगे बेटा एल्बुमिन के बारे में विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट अगर हम सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात कर रहे थे तो सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स का कम्पोजिशन सिक्स टू एट परसेंट था है ना लेकिन अगर इन प्लाज्मा प्रोटीन्स में से मैं खाली एल्बुमिन की बात करूं बेटा तो एल्बुमिन हमारे प्लाज्मा के अंदर बेटा फोर टू सेवन परसेंट पाया फोर पॉइंट सेवन जो मैं ऐसे लिख देता हूं इसको तो एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी के अंदर बेटा कितना मिलता है यानी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन बेटा इन प्लाज्मा किस प्लाज्मा प्रोटीन की होती है वो एल्ब्यूमिन की होती है मतलब सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन जो हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है वो कौन सा होता है बेटा वो एल्बमिन होता है तो ये एल्बुमिन के बारे में पहली चीज़ याद रखेंगे सेकेंड ये मेन प्लाज्मा प्रोटीन होता है बेटा ऑल दो हम और भी प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ेंगे लेकिन उन प्लाज्मा प्रोटीन के कंपैरिजन में जो मेन जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट में प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है सो दैट इज एलविन बेटा ठीक है एल्बमिन के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे बच्चा ऑल दो ये कॉन्सनट्रेशन में सबसे ज़्यादा है ठीक ऑल दो ये मेन प्लाज्मा प्रोटीन है बट अगर इसमें स, इसके साइज की मैं बात करूं बेटा मोलिकुलर साइज की बात करूं तो मॉलिकुलर साइज के बेसिस पे ये क्या होता है बच्चा ये स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है ये स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है बेटा स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है कॉन्सेंट्रेशन में सबसे ज्यादा है लेकिन साइज में क्या है बेटा साइज में सबसे छोटा है बच्चा साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें यही कुछ पॉइंट्स इसके बारे में याद रखने आपको साइज साइट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें हम बच्चा हमें पता चलता है कि प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो है ठीक है ना सो दिस प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन बेटा इज फॉर्मड बाय लीवर ठीक है प्रोड्यूस्ड बाय लीवर बेटा इसको लिवर बनाता है ठीक है और पर डे अगर हम बात करें तो पर डे हमारी बॉडी के अंदर बेटा एल्ब्यूमिन अगर मैं बात करूं ओनली ये लगभग लगभग ट्वेल्व ग्राम्स पर डे बनता है ट्वेल्व ग्राम्स पर डे बनता है, ठीक है अब एल्बुमिन का फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है एल्बुमिन करता है क्या हमारी बॉडी के अंदर बेटा सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करता है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन बेटा मतलब ये मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करवाएगा ब्लड के अंदर बेटा जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स आप याद रखेंगे किस किस को ये ट्रांसपोर्ट कराता है जैसे फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट कराता, कराता है ये कैल्शियम ट्रांसपोर्टर का काम करता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कराता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ये थायरॉक्सिन हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कराता है बिसाइड्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम एंड थायरॉक्सिन बट ये फैटी एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट कराता है ये फैटी एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट कराता है एंड बिसाइड्स ट्रांसपोर्टिंग फैटी एसिड्स बेटा ये फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए आता है विटामिन डी आता है विटामिन ई e आता है और विटामिन के आता है ये इन सब का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है सो so, मतलब ब्लड के अंदर ये मटेरियल्स जो है बेटा वो किससे जुड़ के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एल्बुमिन से जुड़ के ट्रांसपोर्ट होते हैं बट बिसाइड्स बीइंग अ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हमारे एल्बुमिन का और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है बच्चा और वो फंक्शन क्या है ये प्रोवाइड करता है बच्चा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एल्बुमिन ये प्रोवाइड करता है बेटा कोलाइड प्रोवाइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड अब इसका मतलब क्या हुआ यह आप समझें <coughs> जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल <coughs> ये मैं एक ब्लड वेसल लेता हूँ बेटा ठीक है और ये इसके आसपास का मैं कोई टिश्यू ले रहा हूँ फॉर दिस इज अ टिश्यू बेटा जो इसके सराउंडिंग में है हमें पता है बच्चा कि टिश्यूज के अंदर क्या होता है बेटा एक्स्ट्रा सेल्युलर फिलुअड होता है होता है बेटा एंड ब्लड ब्लड वेसल के अंदर है तो मान लीजिए ब्लड है बेटा ब्लड वेसल के अंदर और ब्लड इज ऑल्सो एक्स्ट्रा सेल्यूर फ्लूड बेटा ये भी एक तरीके का एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लुड ही होता है इट इज ऑल्सो ईसी बेटा दिस इज ऑल्सो बिकॉज ये सेल के अंदर नहीं होता ब्लड सेल्स के बाहर होता है है ना So, अगर ये दोनों फ्लूड है सो दैट मीन ब्लड का भी बेटा अपना एक कॉन्सेंट्रेशन होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा सेल्यूट का प्लस सॉलवेंट का है ना एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का भी बेटा एक कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका अपने सेल्यूट का प्लस अपने सॉल्वेंट का अपने सॉलवेंट का मान लेते हैं दो सेकेंड के लिए फॉर एग्जाम्पल जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड है बेटा वो बना रहा है सेवेंटी परसेंट ठीक है मान लो एक्स्ट्रासर फ्लूड का जो कंपोजिशन है बेटा ठीक है ना वो सेवेंटी परसेंट है so 70 का मतलब क्या हुआ? कि इस सॉल्यूशन के अंदर या के अंदर बेटा सेवेंटी सॉल्यूट्स है प्लस थर्टी मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के है बेटा है ना और फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ब्लड की एक में बात करो फॉर एग्जाम्पल ब्लड जो है बेटा वो 30 परसेंट सोल्यूशन बना रहा है मतलब ब्लड के अंदर 30 मोलिकुल सल्यूट के हैं प्लस 70 मॉलिक्यूल किसके हैं बेटा सॉल्वेंट के हैं हमें पता होता है बेटा सॉल्वेंट हमारा कॉमनली क्या है ये वॉटर ही होता है वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बेटा तो इस कंडीशन में बेटा वाटर कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करेगा तो आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चा कि बिकॉज ब्लड के अंदर वाटर ज़्यादा है बाहर वाटर कम है तो वाटर ब्लड से बाहर आएगा ये वाटर ब्लड से बाहर आ रहा है बच्चा ठीक है और अगर वाटर ब्लड से बाहर आएगा तो हमारे प्लाज्मा के अंदर वाटर कम हो जाएगा और अगर प्लाज्मा के अंदर वाटर कम होगा हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम जो है बेटा ब्लड वॉल्यूम का मतलब हमारी बॉडी में कितना ब्लड है तो वो ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा वो ब्लड वॉल्यूम भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा बच्चा सो मतलब हमारे ब्लड के अंदर से वाटर बाहर नहीं आना चाहिए बिकॉज अगर हमारे ब्लड के अंदर से वाटर बाहर आया सो दैट विल लीड टू डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम बेटा उससे हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा सो so इस चीज से बचने के लिए कि हमारी बॉडी से ब्लड वेसल से ब्लड प्लाज्मा से बेटा वाटर बाहर नहीं आना चाहिए हम क्या करते हैं बच्चा हम अपने ब्लड के अंदर एल्बुमिन को एड करके रखते हैं बेटा बिकॉज एल्बुमिन सबसे ज्यादा है हमारी बॉडी के अंदर तो एल्ब्यूमिन क्या करता है एल्ब्यूमिन सल्यूट का, का काम करता है ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा ब्लड में सल्यूट का काम करता है और एल्ब्यूमिन का सेल्यूट से सल्यूट जैसा काम करने का मतलब क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन द ब्लड वेसल बेटा हमारे ब्लड का सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा तो अगर ब्लड का सेल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड बेटा क्या हमारे ब्लड से वाटर बाहर जाएगा नहीं जाएगा बेटा सो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ प्रजेंस ऑफ एलमिन इनसाइड द ब्लड प्लाज्मा बेटा हमारे ब्लड प्लाज्मा का सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है सो बिकॉज ऑफ मोर सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बेटा हमारे ब्लड से ईजिली वॉटर बाहर नहीं आ पाता है बिकॉज वॉटर बाहर नहीं आ रहा है बच्चा सो so इस चीज़ को मैंटेन किसने किया इसको एलबुमिन ने मेनटेन किया सो दैट मीन्स हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेटा उसको कौन मेंटेन करता है उसको एल्ब्यूमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेटा तो वो कौन मेंटेन करता? करता है वो एल्ब्यूमिन मेंटेन करता है ऑल दो एल्बुमिन के अलावा भी सारे प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है बट इसमें सबसे हाइस्ट कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज एल्ब्यूमिन का है सो दैट मीन्स ब्लड का जो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा बेटा वो मेजरली कौन डिटरमाइन करेगा एल्ब्यूमिन डिटरमाइन करेगा अगर ये एल्ब्यूमिन आपके ब्लड के अंदर कम हो गया तो क्या होगा बच्चा आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में ठीक है ना बिकॉज बाहर सोल्यूड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ब्लड से वाटर क्या जाएगा वाटर बाहर जाएगा लेकिन अगर ये नॉर्मल रहा बच्चा तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मेंटेन रहेगी और आपका ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन रहेगा सो so, ये मतलब है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का सो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे एल्बुमिन के बारे में तो एल्बुमिन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है प्लाज्मा में बेटा ये मेन प्लाज्मा प्रोटीन होता है इंपॉर्टेंट है ये स्मॉलेस्ट साइज के बेसिस पे स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है प्लाज्मा प्रोटीन होता है इसको लिवर बनाता है बेटा पर डे ट्वेल्व ग्राम पर डे के आसपास बनता है ये ट्रांसपोर्टर का प्रोटीन का काम करता है और कैल्शियम थायरॉक्सिन फैटी एसिड्स एंड इन सारे विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड बिसाइड्स ऑल दीज फंक्शन प्रॉपर्टीज बेटा एल्बुमिन का मेन फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का क्या करता है मेंटेन करता है सो दिस इज ऑल अबाउट एलब्यूमिन जो आपको एल्ब्यूमिन के बारे में याद रखना है यह बहुत आगे तक आपको काम आएगा बच्चा ठीक है ना <coughs> तो एल्बुमिन को हटा देता हूं मैं यहां से तो ये हमारा पहला प्रोटीन आई होप आपको समझ आ गया ये फिनिश हो गया इधर अब आते हैं सेकेंड पे बेटा हमारा सेकेंड जो प्लाज्मा प्रोटीन हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज फेबरिनोजन दैट इज कॉल्ड एज फेबरोजिन बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन सबसे पहली चीज फेब्रोनोजिन के बारे में जो आप याद रखेंगे बच्चा ये आपको याद रखना है दैट कि हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा में जो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है बेटा वो कौन होता है वो फेवरोनोजिन होता मतलब साइज के बेसिस पे जो सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन आपकी बॉडी में मिलेगा वो कौन होता है वो फेब्रनोजिन होता है बेटा इसके बारे में पहला पॉइंट ये याद रखेंगे सेकंड इसको कौन बनाता है बेटा सो एज यूजुअल इसको बनाने का काम हमने किसको दे दिया लिवर को दे दिया बेटा प्रोड्यूस्ड बाय लिवर ठीक है परसेंटेज की बात करें हमारी बॉडी में इसका परसेंटेज कितना है बच्चा सो so, हमारे एल्बुमिन का कितना था जीरो पॉइंट हमारे एल्बुमिन का कितना था बेटा फोर पॉइंट सेवन था ठीक है ना और हमारे फेबरिनोजिन का कितना है बेटा कंस्टीट्यूट करता है कॉन्स्टिट्यूट जीरो पॉइंट थ्री परसेंट बेटा मतलब सबसे मिनिमम कंसंट्रेशन में सबसे कम कंसंट्रेशन में जो प्लाज्मा प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है सो दैट मिनिमम कंसंट्रेटेड प्लाज्मा प्रोटीन वो कौन होता है फेवरोनोजन होता है मतलब साइज में फेवरोनोजन बड़ा है लेकिन कंसंट्रेशन में क्या होता है सबसे कम होता है बच्चा अब हमारी बॉडी के अंदर फेब्रोडोजिन का रोल क्या है इसका फंक्शन क्या है बच्चा तो याद रखेंगे बच्चा फेब्रोनोजिन जो होता है ये एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है फेब्रनोजिन जो है ये एक इनएक्टिव प्रोटीन है बेटा इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है और इसको बॉडी एक्टिवेट करती है बेटा ड्यूरिंग ब्लड कागुलेशन ठीक है जब हमको बॉडी में ब्लड को कागोलेट कराना होता है आपको कहीं पे कट लग गया और जिस जगह पे आपको कट लगा बेटा वहां से खून बह रहा है वहां से ब्लड बाहर आ रहा है लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका ब्लड ज्यादा समय तक बाहर आए बेटा तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या करते हैं आप फेवरिन जिनको एक्टिवेट करते हैं और जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है बेटा ये क्या बन जाता है ये फिबरिन बन जाता है और ये फिबरिन जो यहाँ पे बन गया ना ये आपकी बॉडी के अंदर क्या कराता है यह आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग कराता है बेटा सो मतलब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग का काम किसका होता है फिब्रिन का होता है बट फिब्रिन बेटा एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है बॉडी में ये इनएक्टिव फॉर्म फिब्रोनोजिन की फॉर्म में होता है लेकिन ये एक्टिवेट होगा जब बॉडी को किसकी जरूरत पड़ेगी बचा कॉगोलेशन की जरूरत पड़ेगी ठीक है अब लास्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर का कांसेंट्रेशन इंक्रीज हुआ ठीक है तो इंक्रीज इन फिब्रोनोजिन कॉन्सेंट्रेशन बेटा अगर बॉडी में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बॉडी क्या कर रही है वो ज्यादा फिब्रोनोजिन बना रही है तो फिब्रोलोजिन क्या हो रहा है बेटा इंक्रीज हो रहा है सो इंक्रीज़ इन फिब्रोनोजिन लीड्स टू लीड्स टू इंक्रीज इन एरथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन रेट इसको हम शॉर्ट में ई बोलते हैं बेटा ठीक है हम लैब्स के अंदर बेटा एक प्रोसीजर यूज करते हैं मतलब जब हम लैब में जाते हैं ब्लड के साथ जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक ब्लड एक्सपेरिमेंट हम करते हैं बेटा उसको हम ईएसआर बोलते हैं एरेथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं एरेथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट में हम क्या करते हैं बेटा हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं मान लीजिए ऐसा आपने एक टेस्ट ट्यूब इसको हम ई ट्यूब बोलते हैं तो आपने एक ई ट्यूब ले लिया और इस ई ट्यूब में आप क्या भरते हैं बेटा इसमें आप ब्लड भर देते हैं जैसे आपने इसमें ऐसे ब्लड डाल दिया तो ये आपने ब्लड डाल दिया इसमें बेटा ठीक है सो फिर आप क्या करते हैं बेटा फिर आप एक घंटे का वेट करते हैं। आप ट्यूब को बेटा किसी जगह पर रखेंगे टेबल पर रख देते हैं बेटा टेब इस ट्यूब को फिर हम एक घंटे का वेट करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एक घंटा हो गया बच्चा सो आफ्टर वन आवर आपको क्या दिखाई देता है और आपने इसके अंदर कौन सा ब्लड डाला था अनकोगुलेटेड ब्लड डाला जिसमें कोगुलेशन नहीं हुआ था आफ्टर वन आवर बेटा आपको क्या दिखाई देता है कि ब्लड का जो रेड पोर्शन है रेड पोर्शन मतलब फॉर्मड एलिमेंट वाला पोर्शन है वो फॉर्मड वाला पोर्शन बेटा कहाँ पे आ गया वो बेस की तरफ आया और जो प्लाज्मा वाला पार्ट है बेटा प्लाज्मा वाला पार्ट कहाँ गया वो ऊपर आ गया बच्चा मतलब ब्लड सेग्रीगेट हो गया ब्लड सेपरेट हो गया बेटा ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट अलग हो गया एंड ब्लड का फॉर्मड एलिमेंट वाला पार्ट अलग हो गया अब कितनी देर में बेटा ये फॉर्मड एलिमेंट पार्ट और ये प्लाज्मा पार्ट अलग होगा बच्चा सो दैट रेट इज कॉल्ड एज एरेथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट मतलब आपके ब्लड में अगर आप बिना कोई आ, मशीन यूज किए बेटा ब्लड का फॉर्मड एलिमेंट एंड प्लाज्मा वाला पार्ट सेपरेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे आप एक ए एस आर ट्यूब लेंगे उस ए एस आर ट्यूब में बेटा आप एक नॉर्मल ब्लड डालेंगे मतलब जिसमें कॉगोलेशन नहीं हुआ होगा अब इस ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होगा फॉर्मड एलिमेंट भी होगा लेकिन प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट मिक्स होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे लेकिन जैसे आप इसको बेटा टेबल के ऊपर एक घंटे तक रखेंगे आवर आवर तक रखेंगे आफ्टर वन आवर आपको क्या दिखाई देगा कि इस ट्यूब में बेटा फॉर्मर्ड एलिमेंट्स नीचे सेडमेंट हो गए मतलब नीचे बैठ गए सारी सेल्स नीचे बैठ गई और प्लाज्मा वाला पोर्शन क्या आ गया प्लाज्मा वाला पोर्शन ऊपर आ गया सो so ये कितनी देर में फॉर्मर्ड एलिमेंट नीचे सेडमेंट होगा बेटा दैट रेट इज कॉल्ड एज सेडमेंटेशन रेट एरे थ्रोसाइट सेडमेंटेशन रेट है आरबीसी आरबीसीटेशन रेट बेटा और अगर आपकी बॉडी में फेवरोलिजन ज्यादा है सो दैट मीनस वो कॉगुलेशन क्या कराएगा बेटा जल्दी जल्दी कराएगा तो ई की रेट भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी बच्चा समझ गया ना और एग्जाम के लिए आपको याद क्या रखना है यहां से बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना बच्चा कि अगर मैं मेल एंड फीमेल की ईएसआर सेडमेंटेशन रेट कंपेयर करूं तो आपको पता चलता है बेटा कि फीमेल के अंदर एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल के अंदर इरे सेडमेंटेशन रेट जो होती है ना वो सेवन टू अलेवन एम एम पर आवर होती है मतलब एक घंटे के अंदर बेटा कितना सेगमेंटेशन होगा सेवन टू अलेवन एम एम होगा और मेल्स की अगर मैं बात करूँ बच्चा तो so मेल्स के अंदर होता है थ्री टू फाइव एम एम पर ओवर बेटा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद तो सेगमेंटेशन रेट ऑफ मेल एंड फीमेल बेटा तो so, मेल्स का होता है थ्री टू फाइव एंड फीमेल्स का होता है सेवन टू अलेवन बेटा सो दिस इज ऑल अबाउट फेब्रोनोजन तो आपने याद रखा फेब्रोनोजिन के बारे में लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन होता है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिवर इसको बनाता है मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है बट ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग बेटा हम उसको एक्टिव फॉर्म फेबरिन में कन्वर्ट करते हैं और अगर आपकी बॉडी के अंदर फेब्रोनोजन इंक्रीज हो रहा है बेटा सो इंक्रीज इन फेब्रोनोजन विल इंक्रीज द एरथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट जो नॉर्मली मेल्स के अंदर बेटा 3.3 टू 5 एम mmH होती है एंड फीमेल्स के अंदर बेटा 7 टू 11 मिल एम पर आवर होती है बेटा क्लियर है ना सो दिस इज ऑल अबाउट फेब बेटा एकदम सिंपल सिंपल ये तो अगर आप इनको सिंपल तरीके से बेटा फ्लो चार्ट तरीके से याद रखेंगे आपको ये कभी दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी <coughs> अब मैं और एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन की बात करूंगा जिसको हम ग्लोबुलिन बोलते हैं बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबलिन के बारे में सबसे पहली चीज जो आप याद रखेंगे विच इज ये हमारी बॉडी में बेटा कंस्टिट्यूट करता है 1.5 परसेंट बेटा ठीक है ना मतलब ये कम है एलुबिन से लेकिन ज्यादा है फेबरनोजिन से बेटा ठीक है और ये क्या काम करता हमारी है हमारी बॉडी में ग्लोबलिन बेटा ये परफॉर्म करता है परफॉर्म्स एंजाइमेटिक फंक्शन एंजाइम एनजाम के जैसे काम कर सकता है एंजाइमेटिक फंक्शन इट कैन एक्ट एज एन एंजाइम बेटा ठीक है या प्रोवाइड्स इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम में भी मदद करता है कैसे मदद करता है अभी दिखाऊंगा बेटा प्रोवाइड्स इम्यूनिटी यह इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है या इसके अलावा बेटा ये ट्रांसपोर्ट करा सकता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स तो ये विटामिन को ट्रांसपोर्ट करने में एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है मदद करता है ये इसकी ग्लोबलिन की फंक्शन हो गई ठीक है डिटेल में हम जाते हैं हमें पता चलता है प्रोटीन इज ऑफ थ्री टाइप्स और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है सो ग्लोबलिन प्रोटीन तीन अलग अलग टाइप का होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम बोलते हैं बेटा एल्फा ग्लाबलिन एक हम बोलते हैं बीटा ग्लाबलिन ठीक है और एक को हम बोलते हैं गामा ग्लोबुलिन बेटा तो याद रखेंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन कितने टाइप्स के तीन टाइप्स के वन इज कॉल्ड एज एल्फा ग्लोबुलिन एनदर इज कॉल्ड एज बीटा ग्लोबुलिन एंड अनदर इज कॉल्ड एज गामा ग्लोबुलिन बेटा ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले आप याद रखेंगे कि एल्फा ग्लोबुलिन बनता है लिवर के अंदर बीटा ग्लोबुलिन बनता है लीवर के अंदर लेकिन जब मैं गामा ग्लॉबलिन की बात करूंगा बच्चा सो गामा गामाग्लॉबलिन लीवर के अंदर नहीं बनता है गामा गामाग्लॉबिन बनता है बेटा प्लाज्मा सेल से गामा ग्लाब्लिन प्रोड्यूस प्लाज्मा, प्लाज्मा सेल प्लाज्मा सेल क्या होता है बेटा बीटोलिम्फोसाइड होता है हमारी बॉडी में बी सेल्स होती हैं टी सेल्स होती है तो बी सेल का ही एक फॉर्म क्या होता है प्लाज्मा सेल होता है सो तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है विच इज़ नॉट सिंथिस इन लिवर बेटा तो वो ग्लोबलिन होता है और क्यों इसको लिवर सिंथिसाइज नहीं करता है बिकॉज इसको सिंथिसाइज करने का काम किसका होता है बेटा एक बीटा लिम्फोसाइट का होता है दैट बीटा लिम्फोसाइट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल बेटा क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा एल्फाग्लॉब्लिन के लिए वो ये है दैट आप याद रखेंगे एल्फाग्लॉब्लिन जो होता है ना ये बॉडी में काम करता है ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट कराता है बेटा और किसको ट्रांसपोर्ट कराता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर एंड बिल्युरुबिन बेटा बिल्यूरिबिन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा डायसो सिस्टम में मैंने बताया बिल्यूरिबिन क्या है बेटा एक बाइल पिगमेंट है तो बिल्यूरिबिन का ट्रांसपोर्ट एंड कॉपर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है अल्फा अल्फाग्लाब्लिन करता है बच्चा और एग्जाम के लिए याद रखेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसा एल्फाग्लॉबलिन प्रोटीन ठीक है अल्फा िन प्रोटीन बेटा जो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा कॉपर को ट्रांसपोर्ट करेगा सो कॉपर ट्रांसपोर्टिंग अल्फा एल्फाग्लॉबलिन इज कॉल्ड एज सेरूलो प्लाज्मिन बेटा इसको हम क्या बोलते हैं बोलते प्लाज्मिन यानी प्लाज्मिन क्या है तो सेरुलो प्लाज्मिन बेटा एक एल्फाग्लोबलिन है जो किसको ट्रांसपोर्ट करता है बेटा जो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है याद रखें कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्लाज्मा प्रोटीन इज और वो एक्चुअल में क्या होता है बेटा एक अल्फा एल्फाग्लाबलिन होता है बीटा बीटाग्लाब्लिन की बात करें तो ये भी ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है बेटा ये किस किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है ये फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है ये कैरोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है और ये आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड एग्जाम के लिए याद रखेंगे बच्चा आइसा बीटा ग्लोबलिन ठीक है आइसा बीटा ग्लोबलिन बेटा जो किसको ट्रांसपोर्ट करेगा जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करेगा आयरन ट्रांसपोर्टिंग बीटा ग्लोबलिन इज कॉल्ड एज ट्रांसफेरिन बेटा इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम ट्रांसफेरिन बोलते हैं ये तो ट्रांसफेरिन हो गया तो ट्रांसफेरिन का मतलब क्या हो गया बेटा बीटाग्लॉबलिन विच इज ट्रांसपोर्टिंग आयरन सीरो प्लाज्न का मतलब क्या हो गया बच्चा अल्फा ग्लोबुलिन विच इज ट्रांसपोर्टिंग कॉपर और ये एक्चुअल में किसके टाइप से ये ग्लोबुलिन प्रोटीन के ही टाइप्स है लेकिन जब मैं गामा ग्लोबुलिन की बात करूंगा विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा गामा ग्लोबुलिन जो होता है इसको रिलीज करती है प्लाज्मा सेल एंड गामा ग्लोबुलिन को हम कॉमन लैंग्वेज में एंटीबॉडी बोलते हैं बेटा ठीक है तो गामा ग्लोबुलिन एक्चुअल में क्या होते हैं एंटीबॉडीज होते हैं या इनको हम एम्यूनोगबलिन बोलते हैं बेटा एम्यूनोग मतलब ऐसे गुलाबलिन प्रोटीन जो किसके लिए ज़रूरी है एम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है? है जो एम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है या जो डिफेंस के लिए ज़रूरी है सो दैट टाइप ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन विच इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन डिफेंस विच इज़ एक्चुअली कॉमनली कॉल्ड एज एंटीबॉडी बेटा उसको हम गामा गुलाबलिन बोलते हैं जैसे फॉर अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूँ जैसे अम्यूनो ए एम्यूनोगबलिन जी एम्यूनोगिन ई एम्यूनोगलिन एम एम्यूनोगबलिन डी बेटा तो ये सब जो आप दिख रहे हैं ना यहाँ पे एम्यूनोगबलिन ये एक्चुअल में सब रियलिटी में क्या है ये सब गामा ग्लाबलिन ही है बेटा समझ गया ना सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाबलिन प्रोटीन्स बेटा तो ग्लाबलिन के बारे में आपने क्या क्या याद रखा तो आपने ग्लाबलिन के बारे में याद रखा दैट वन पॉइंट फाइव परसेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ये एंजाइमेटिक फंक्शन करता है प्रो इम्यूनिटी में काम आता है इम्यूनिटी में कौन काम आएगा गामाग्लोब्लिन काम आएगा विटामिन एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है बेटा ये क्लियर हो गया ठीक है तीन टाइप्स के होते हैं अल्फा बीटा गामा दो बनते हैं लिवर में एक बनता है प्लाज्मा सेल में अल्फा का, का काम होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर कॉल्ड एस सीरोप्लाजमिन बीटा काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांस आयरन कॉल्ड एस ट्रांसफेरेटिन एंड गामा क्या बनाता है गामा बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कराता है सो आई होप दिस मच इज क्लियर फॉर द प्लाज्मा तो यहां पर हमारा प्लाज्मा क्या हो जाता है फिनिश हो जाता है बेटा सो दिस इज एंड ऑफ प्लाज्मा तो एक काम हम करते हैं पहले आगे बढ़ने से पहले हम एनसीआरटी पर जाते हैं और एनसीआरटी पर देखते हैं कि एनसीआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में ठीक है <coughs> तो मैं मेन चीज से ही पढ़ना शुरू करूंगा बाकी आप कहानी ऊपर से खुद पढ़ेंगे तो यहां लिखा बेटा ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फिलुड बाय मोस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर दिस परपज ठीक है तो ब्लड का काम क्या है बेटा ब्लड एक फिलविड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में हायर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट के लिए बट ब्लड के अलावा और क्या होता है और लिफ भी पाया जाता है जो किस में मदद करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंसेज में मदद करता है ब्लड की हम इन पर्टिकुलर बात करें तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ऑलरेडी हम इसको टिश्यू में पलट चुके हैं बेटा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तीन टाइप के होते हैं ब्लड कार्टिलेज एंड बोन बेटा ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू तो ब्लड उनमें से एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया जो किसका बनता है बेटा जो फिलुविड मैट्रिक्स का बनता है प्लाज्मा और इसको हम दूसरा पार्ट में फॉर्मड एलिमेंट बोलते हैं यानी ब्लड के अंदर कंपोजन जो होता है इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्मड एलिमेंट्स बेटा ठीक है प्लाज्मा की अगर देखें एनसीईआरटी क्या लिख रहा है प्लाज्मा के बारे में प्लाज्मा स्ट्राकोलोड होता है स्ट्राकोलोड मतलब अगर आपने घास देखे ना सूखी घास तो जो सूखी घास का कलर होता है मान लो येलोविश कलर तो येलोविश कलर किसका होता है प्लाज्मा का होता है ये होता है विस्कस फ्लूड बेटा विस्कस मतलब ये गाढ़ा फ्लूड होता है ये पूरा पानी के जैसा नहीं थोड़ा सा गाढ़ा फ्लूड होता है जिसमें फिफ्टी फाइव परसेंट क्या होता है बेटा ब्लड होता है मतलब अगर मैं ओवरऑल ब्लड की बात करूं तो ब्लड अगर हंड्रेड परसेंट है तो इस हंड्रेड परसेंट ब्लड में फिफ्टी फाइव परसेंट ओनली क्या होता है बेटा प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में फिर नाइन्टी टू नाइन्टी टू परसेंट क्या होता है वाटर होता है सिक्स टू एट परसेंट प्रोटीन्स होते हैं बेटा और कौन कौन सा प्रोटीन होता है फेब्रोनोजिन ग्लोबुलिन एंड एल्यूमिन बेटा तो इसलिए मैंने इनको डिटेल में पढ़ा दिया बिकॉज एनसीआरटी में इन तीन का नाम मैंशनड है तो इन तीन के ऊपर बेटा एक अच्छा खासा क्वेश्चन भी आ सकता है आगे क्या लिखता है एनसीआरटी आगे लिख रहा है फिब्रोनोजिन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग तो फिब्रोनोजिन का काम क्या होता है क्लॉटिंग का होता है बट फिब्रोनोजिन के अलावा क्लॉटिंग के अलावा बेटा फिब्रोनोजिन के बारे में मैंने आपको क्या बोला फिब्रोनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है एक्टिवेट हम इसको फिबरिन की फॉर्म में करते हैं ये क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है बेटा एंड साइज में सबसे बड़ा प्रोटीन होता है नंबर में सबसे छोटा होता है एंड ये एर्थ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट को कंट्रोल करता है ग्लोबुलिन प्रमोलरली आर इन्वॉल्व इन डिफेंस तो ग्लोबुलिन कहाँ पे यूज होता है डिफेंस में इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज बेटा एंड एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस तो एल्बुमिन क्या करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में मदद करता है ठीक है आगे पढ़ते हैं प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्लाज्मा में मिनरल्स भी पाए जाते हैं जैसे सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन तो बिकॉज यहाँ पे ये आयोन्स दिए हुए हैं ना तो ये दिए हैं तो इन्हीं को हम बेटा बाद में क्वेश्चन पूछे ज्यादा अरेंज करिए इनको तो आपको सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड सबका का मैंने बता दिया वो याद रखना बट इसके अलावा ऑर्गेनिक में ग्लूकोज भी मिलता है इसका भी बता दिया बेटा एमायनो एसिड्स एंड लिपिड्स और ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रेनजेंट मतलब ये हमेशा बॉडी में इन इन एंड आउट होते रहते हैं इनका मूवमेंट हमेशा बॉडी में होता रहता है तो इसलिए प्लाज्मा के अंदर भी इनका कॉन्सेंट्रेशन फ्लैक्चुएट होता रहेगा फैक्टर्स फॉर कॉगोलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन एक्टिव इन एक्टिव फॉर्म मतलब जो चीज़ें बेटा क्लॉटिंग के लिए जरूरी होती है जिन चीज़ों की वजह से ब्लड क्लॉट करता है जिनको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कहाँ होते हैं प्लाज्मा में ही होते हैं बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं जैसे मैंने आपको अभी नाम दिया था बेटा फिबरेनोजिन बेटा फिब्रोनोजिन इनेक्टिव फॉर्म में है ना समझ आया ना ये लेकिन क्या करेगा ये ब्लड क्लॉटिंग करेगा बट फिब्रोनोजिन के अलावा प्रोथ्रोम्बिन है बेटा ठीक है ना फिब्रोनोजिन है और भी हम पढ़ेंगे थर्टीन क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो सब के सब कहाँ होते हैं बेटा वो सब के सब प्लाज्मा में होते हैं बट उनमें से कोई भी एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं अगर प्लाज्मा से आप क्लॉटिंग फैक्टर बाहर निकालेंगे जैसे मैंने आपको अभी बोला ना प्लाज्मा में क्या है प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन है और बाकी मेटीरियल लेकिन आप इस प्लाज्मा में से बेटा ये क्लॉटिंग फैक्टर बाहर निकालोगे ये प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकालोगे सो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को हम क्या बोलते हैं सीरम बोलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीरम क्या है तो सीरम प्लाज्मा ही है बट ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है बेटा सच प्लाज्मा विच इज विधाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स ऐसे प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं ऐसे प्लाज्मा को हम आ, सीरम बोलते हैं बच्चा समझ गए ना सो दिस इज ऑल फ्रॉम द प्लाज्मा पार्ट अभी हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर्मड एलिमेंट और ऑलरेडी आपको पता है बेटा फॉर्मड एलिमेंट 45 परसेंट किसका बनाता है ब्लड का बनाता है और उसमें से हम पहला फॉर्मड एलिमेंट यहां पे शुरू करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज इर्थ्रोसाइड बेटा विच इज कॉल्ड एज इर्थ्रोसाइट्स एरोथ्रोसाइड का और एक नाम क्या बैठा है इसको हम आरबीसी भी बोलते हैं आरबीसी मतलब इसको हम रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आरबीसी का हमारी बॉडी में नंबर कितना है बिकॉज नंबर पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं हमारी बॉडी में इनका नंबर क्या है तो आप याद रखेंगे बच्चा आर <clears throat> का जो नंबर होता है ना ये हमेशा फिक्सड नहीं होता है मतलब मैं जो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ बताऊंगा वो एवरेज वैल्यूज़ है बट हमेशा वही वैल्यू रहेगा दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज आर का नंबर वेरी करता है बेटा अलग अलग एनिमल्स में या सेम एनिमल में बेटा लेकिन सेम एनिमल में डिपेंड करता है फिजोलॉजिकल स्टेट पे मान लो फॉर एग्जांपल मैं भी ह्यूमन हूँ आप भी ह्यूमन है ठीक है ना तो मेरी आर बी के मेरी बॉडी के अंदर मान लीजिए फॉर फोर मिलियन आर है फॉर एग्जाम्पल फोर मिलियन आर है आप भी इंसान है बेटा आप में सिक्स मिलियन हो सकता है अब ऐसे कैसे हो गया बेटा मेरे में कम है आप में ज़्यादा है बिकॉज मैं फिजोलॉजिकली लेस काम कर रहा हूँ आप फिजोलॉजिकली बहुत काम कर रहे हैं मैं बैठा रहता हूँ बेटा मैं लेजी हूँ लेकिन आप जिम भी करते हैं आप रनिंग भी करते हैं सो डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एक्टिविटी एक पर्सन के अंदर बेटा आर का नंबर इंक्रीज भी हो सकता है एंड डिक्रीज भी हो सकता है अब एक पर्सन के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ आर कितनी होंगी ठीक है ना एक पर्सन के अंदर बचा टोटल नंबर ऑफ आर कितनी होंगे टोटल नंबर ऑफ आर कितनी होंगी बेटा तो दैट टोटल नंबर ऑफ आर इज कॉल्ड एज आर काउंट बेटा उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम आर काउंट बोलते हैं तो आर काउंट का मतलब क्या होता है बेटा आर काउंट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आर प्रेजेंट इन ब्लड बेटा या टोटल नंबर ऑफ आर प्रेजेंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड टोटल नंबर ऑफ आर ठीक है ना प्रेजेंट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड बेटा तो पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के अंदर कितनी आरबीसीज़ होंगी बेटा जो आप गिन के निकालेंगे सो दैट काउंट इज कॉल्ड एज आरबीसी काउंट अभी हम कैसे गिनते हैं इसको गिनने के लिए बेटा हम लैब में एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हीमोसाइटोमीटर बेटा दैट इज कॉल्ड एज हीमोसाइटोमीटर तो हीमोसाइटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं बेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर बी सीज प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बींग और प्रेजेंट इन अ पर्सन बेटा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी तक कैलकुलेट किया है बेटा तो अभी तक की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि एक हेल्दी मेल के अंदर एक हेल्दी मेल के अंदर बेटा एक हेल्दी फीमेल के अंदर ठीक है या एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर बेटा हमें पता चला है कि एक हेल्दी मेल के अंदर जो नॉर्मल काउंट ऑफ आर होता है या टोटल नंबर ऑफ आर जो होती है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड बेटा ठीक है ना वो होती है फाइव पॉइंट जीरो टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन बेटा ये नंबर याद रखने एग्जाम में पूछा जाता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड बेटा ठीक है सो ये एक मेल का आर काउंट है फीमेल में जब हम देखते हैं बेटा हमें पता चलता है कि फीमेल्स के अंदर जो नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी हेल्दी फीमेल में बचा, होता है 4.5 मिलियन पर एम ऑफ ब्लड बेटा पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड समझ गए ना एंड अगर हम न्यू बेबी की बात करें उसमें होते हैं सिक्स मिलियन पर एम एम ऑफ ब्लड सो ये आरबीसी काउंट है मतलब एक मेल का टोटल आरबीसी काउंट है फाइव टू फाइव मिलियन फीमेल का आरबीसी है फोर टू फाइव मिलियन एंड न्यू बॉर्न बेबी का आरबीसी काउंट है मिलियन अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा कि फीमेल का आरबीसी काउंट कम है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेल्स इसका रीजन क्या है बेटा इसका पहला रीजन होता है मैनेस्टोरेशन बेटा तो पहला रीजन इसका बेटा मैनेस्ट्रोल साइकिल बिकॉज फीमेल के अंदर हर महीने ब्लीडिंग होता है हर महीने मैनेस्ट्रॉल साइकिल होता है तो उसकी वजह से ब्लड लॉस होता है तो उस ब्लड लॉस की वजह से एक रीजन है कि फीमेल्स में आरबीसी क्या होती है कम होती है दूसरा इसका रीजन यह है कि फीमेल्स के अंदर मस्क्यूलर डेंसिटी क्या होती है बेटा कम होती है मस्क्युलर डेंसिटी कम होती है ठीक है ना और मस्क्युलर डेंसिटी कम क्यों होती है बिकॉज उनमें टेस्टोस्टीरोन हार्मोन नहीं मिलता है बेटा सो so बिकॉज फीमेल के अंदर मसल्स कम होंगी इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेल्स तो ऑक्सीजन सप्लाई भी बेटा मेल के कंपैरिजन में क्या होगा कम होगा अगर ऑक्सीजन का नीड ही बॉडी में कम है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मेल्स तो एवरेज फीमेल के अंदर बेटा ये भी एक रीजन है कि उसके अंदर नंबर ऑफ आपको क्या मिलती है कम मिलती है बच्चा लेकिन मेल्स के अंदर आरबीसी का नंबर क्या होता है ज्यादा होता है विच इज फाइव टू फाइव मिलियन क्लियर है तो ये आपने नंबर ऑफ आरबीसी याद रखा बच्चा अब नंबर ऑफ आरबीसी के रिलेशन में हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी पर्सन के अंदर बेटा आर का नंबर डिक्रीज हो गया <coughs> ठीक है किसी पर्सन के अंदर आर का नंबर डिक्रीज हुआ बेटा डिक्रीज इन नंबर ऑफ आर मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ आर मान लीजिए फॉर कोई मेल है और उस मेल के अंदर आर बेटा फाइव पॉइंट जीरो मिलियन से कम है या कोई फीमेल है बेटा उसके अंदर आर 4.5 मिलियन से कम है या कोई बच्चा है बेटा उसमें 6.5 मिलियन से आरबीसी कम है मतलब so, आरबीसी का नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बच्चा सो सच ए कंडीशन जहां पे आपकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाएंगे बेटा सो so, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरथ्रोपिनिया या इसको हम एनीमिया भी बोलते हैं बेटा ठीक है तो एरथ्रोपिनिया और एनीमिया का मतलब क्या होता है एरथ्रोपिनिया हो या एनीमिया बताए इसका मतलब होता है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आर जब एक पर्सन की बॉडी के अंदर आर कम होने लगती है नंबर ऑफ आर डिक्रीज होने लगता है सो दिस डिक्रीज इन द आर काउंट इज कॉल्ड एज एरथ्रोपिनिया या ऑल्सो कॉल्ड एज एनीमिया बेटा अगर हम आगे बढ़े फॉर एग्जाम्पल कभी किसी पर्सन के अंदर क्या हुआ बचा आरबीसी का नंबर इंक्रीज हुआ ठीक है इंक्रीज इन नंबर ऑफ आर बी सी बेटा इनक्रीज इन नंबर ऑफ आर बी सी मतलब आरबीसी का नंबर क्या हो रहा है नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल 5.5 मिलियन मेल में ज्यादा हो रहा है 5 मिलियन फीमेल में ज्यादा हो रहा है या 6.5 मिलियन से बच्चे में ज्यादा हो रहा है बच्चा सो दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आर बी सी इज कॉल्ड एज एर थ्रू साइटोसिस बेटा इसको हम क्या बोलते हैं बोलते हैं या इसको हम पोलिसाइथीमिया भी बोलते हैं बेटा पॉलिसाइथी बोलते समझ आया ना तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसी और इट इज कॉल्सो कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया पॉलिसाइथीमिया कॉमनली बेटा हमें देखने को मिलता है कहां पे हाई ऑल्टीट्यूड पे बेटा हाई ऑल्टीट्यूड मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली या मुंबई से बेटा या देश के किसी और हिस्से से निकल के आप कश्मीर घूमने गए ठीक है ना या किसी पहाड़ी इलाके में घूमने गए तो जैसे पहाड़ पे चढ़ते रहेंगे ना मतलब आप आल्टीट्यूड पे ऊपर 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 जाते रहते हैं तो ऊपर आते आते बेटा हवा का दबाव क्या होने लगता है कम होने लगता है हवा का प्रेशर कम होने लगता है जैसे हवा का प्रेशर पार्शल प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को ऑक्सीजन क्या मिलेगा बेटा कम मिलेगा और जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है तो ड्यूरिंग दिस कंडीशन बेटा आपकी किडनीज जो है ना वो एक हार्मोन को रिलीज करती है उस हार्मोन को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एरथ्रोपायटिन बेटा और एरथ्रोपोटिन क्या करता है बच्चा वो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करवाता है मतलब वो आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है बेटा दिस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी दिस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलिसाइथी लेकिन ये आरबीसी बनाने की प्रोसेस यहां पे हम आरबीसी बना रहे हैं ना इंक्रीज को हमने नाम दिया एरिथ्रोसाइटोसिस, इंक्रीज को हमने नाम दिया पोलिसाइथी लेकिन इस बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज इरथ्रो पॉइसिस इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम इरुथ्रोपाय बोलते हैं तो याद रखेंगे एंड इर्थ्रो में डिफरेंस क्या है बेटा इर्थ्रो का मतलब होता है बनाना और इर्थ्रो का मतलब होता है नंबर को इंक्रीज करना साइटोसिस मतलब इंक्रीज इन द नंबर पोइसिस मतलब फॉर्मेशन तो पोइसिस कौन कराता है बेटा इर्थ्रो कराता है कब कराता है हाई ऑल्टीट्यूड पे कराता है समझ गया ना बच्चा सो so, इस पोर्शन में अभी तक आपने क्या याद रखा आर का नंबर याद रखा तो आपने देखा बेटा आर के नंबर को कैलकुलेट करने के लिए या टोटल आर काउंट करने के लिए हम हीमोसाइटोमीटर को यूज़ करते हैं मेल्स में हीमोसाइटोमीटर से हमें पता चला 5.0 पॉइंट जीरो टू फाइव पॉइंट फाइव नंबर है फीमेल्स में 4.5 पॉइंट फाइव टू फाइव है एंड मे बॉर्न बेबी में 6.5 पॉइंट फाइव है बेटा डिक्रीज अगर नंबर हो जाए कंडीशन इज कॉल्ड एज एपीनिया या एनीमिया भी बोलते हैं इंक्रीज़ अगर हो जाए तो इंक्रीज को हम इर्थ्रोसाइटोसिस बोलते हैं और पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं और पॉलीसाइथीमिया नॉर्मली हमें देखने को मिलता है जब हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं और जैसे हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे बॉडी में ऑक्सीजन कम होगा जैसे ऑक्सीजन कम होगा बेटा तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को रिलीज़ करेगी वो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बेटा बोन मेरो में जाके आरबीसी के नंबर को इंक्रीज़ करेगा सो दिस इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ आर इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटोसिस बट दिस फॉर्मेशन प्रोसेस बेटा इज कॉल्ड एज एयर थ्रो पॉइस सो ये सब कुछ किसके बारे में हो गया ये नंबर ऑफ आर के बारे में हो गया सो आई होप आपको नंबर समझ आया और आपने इसको नोट डाउन भी कर दिया बच्चा ठीक है ना अब आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है बेटा दैट इज साइज एंड शेप ऑफ आर बी बेटा साइज एंड शेप ऑफ आरबी मतलब आर का साइज क्या है और आरबीसी दिखने में कैसी है बेटा साइज एंड शेप तो याद रखेंगे बच्चा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिना कंफ्यूजन के याद रखना कि अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं लेकिन एक्सेप्शन लेंगे बेटा एक्सेप्ट ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट मैमल्स ठीक है ऑल वर्टिब्रेट्स अगर मैं लूं एक्सेप्ट मैमल्स बेटा तो हमें पता चलता है कि सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर आरबीसी जो होती है ना वो ओवल होती है वो कॉन्वेक्स होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है बेटा ठीक है बाई कॉन्वेक्स का मतलब हुआ आरबीसी ऐसी होगी तो ये एक कॉन्वेक्स एंड हो गया ये दूसरा कॉन्वेक्स एंड हो गया तो इसको हम बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं एंड इसके अंदर आपको क्या मिलेगा न्यूक्लियस भी मिलेगा बच्चा समझ आया लेकिन अगर आप इस आरबीसी को साइड से देखें ना साइड से बेटा आपको ऐसे कॉन्वेक्स दिखाई देते बाई कॉन्वेक्स दिखाई देते समझ गए ना सो ऐसी आर बी सी आपको, आपको कहाँ मिलती है सारे वोटेब्रिड में सारे वोटेब्रिड मतलब फ़िश में भी मिलेगा एम्फीबिया में भी मिलेगा रेप्टाइल में भी मिलेगा बर्ड में भी मिलेगा लेकिन जब हम मैमल की बात करते हैं तो मैमल के अंदर ऐसी आर देखने को नहीं मिलती है बच्चा सो so, फिर मैमल्स के अंदर आर कैसी है तो जब हम मैमल्स की आर देखते हैं तो अगर मैं यहां पे पर्टिकुलर मैमल की बात करूं तो मैमल में कैसी है बेटा तो मैमल की आरबीसी जो होती है ना बच्चा वो सर्क्यूलर होती है पहला पॉइंट याद रखना है वो बाई कॉन्केव होती है बाई कॉन्केव होती है और उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होती है बेटा नॉन न्यूक्लिएटेड होती है समझ आया ना अब मैमल में भी एक्सेप्शन है बेटा एक्सेप्ट एक्सेप्ट कैमल कैमल भी एक मैमल होता है बेटा एक्सेप्ट कैमल एंड लामा बेटा तो कैमल एंड लामा दो ऐसे मैमल्स होते हैं जिनकी आरबीसी बेटा नॉन न्यूक्लेटेड नहीं होती है उनके आरबीसी में आपको क्या मिलेगा न्यूक्लियस मिलेगा मतलब हमारी आरबीसी कुछ ऐसे दिखने में होगी बेटा बाइक उनके है ना तो आरबीसी कुछ ऐसी दिखेगी आपको ये एक कॉनकेव एंड हो गया ये दूसरा कॉनकेव एंड हो गया बेटा तो हमारी आरबीसी कैसी होती है सर्क्युलर बायकॉनकेव एंड नॉन न्यूक्लेटेड समझ अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है हमको सर्कुलर बायकॉनकेव का बिकॉज अगर आप आरबीसी को ऊपर से देखेंगे तो वो ऐसे सर्क्युलर दिखाई देगी लेकिन अगर आप आरबीसी को साइड से देखेंगे बेटा तो साइड से वो कैसी दिखाई देती है ऐसी बाइकॉनकेव दिखाई देती है तो इन जनरल आप दोनों चीजें याद रखेंगे ठीक है ना अब आरबीसी जो सेल होती है बच्चा इसके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली आपको देखने को नहीं मिलते मतलब नो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली बेटा नो साइटो प्लाज्मिक ऑर्गेनली मतलब आपने सेल बायोलॉजी पढ़ाई होगा बच्चा आपको ऑलरेडी पता है बेटा ड्यूरिंग सेल बायोलॉजी स्टडीज एक चीज आपको पता होगा दैट Uh, हमारी बॉडी के अंदर बेटा साइटोप्लाज्म साइटोप्लाजमे न्यूक्लियस मिलता है हमारी बॉडी में गोल जी एपरेट्स मिलता है हमारी बॉडी में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मिलता है एंड बहुत सारी सेल ऑर्ग्नैलीज मिलती है ठीक है ना इन सब सार्गेलीज को हम कहाँ पे देखते हैं सेल में साइटोप्लाज्म में देखते हैं लेकिन अगर आप आर की बात करेंगे ना तो आर के साइटोप्लाज्म में बेटा आपको कोई भी सेल ऑर्गेनली देखने को नहीं मिलती है तो इस वजह से नो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनली ठीक है ना अब क्यों हम आर से बेटा सेल ऑर्ग्नैलीज बाहर निकालते हैं क्यों हम सेल ऑर्गनीस को एक्सट्रैक्ट करते हैं इसलिए करते हैं बच्चा बिकॉज जब सारी सेल ऑर्ग्निलीज को हम बाहर निकालेंगे ना आर से तो अंदर तो कोई भी जगह के अंदर या साइटोप्लाजम के अंदर बेटा किसी भी जगह में कोई ऑर्गनीली जब नहीं रहेगा तो अंदर की सारी जगह खाली रहेगी ना एमपीटी रहेगी और उस एमपीटी जगह में हम बेटा क्या कर सकते हैं मोर हीमोग्लोबिन ऐड कर सकते हैं बेटा तो मोर हीमोग्लोबिन ऐड कर सकते हैं सो so, क्यों हमारी आरबीसी में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनलीज नहीं होती है अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे वाई देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनली इन आरबीसी तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए बिकॉज अगर वहां पे सेल ऑर्गेज नहीं है तो सेल का सारा अंदर वाला एरिया खाली है और बिकॉज सेल का सारा एरिया खाली है बेटा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन भर सकते हैं और बिकॉज जितना आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा बच्चा उतना आर क्या कर सकती है मोर ऑक्सीजन कैरी कर सकती है और याद रख लेना बच्चा एक आरबीसी के अंदर आपको कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज मिलते हैं 28 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं बेटा एक आरबीसी so, मतलब में हम बहुत सारा हीमोग्लोबिन भर सकते हैं बेटा जब उसके अंदर कोई भी सेल सला नहीं होता है दूसरा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जब पूछता है आपसे कोई बेटा क्यों हमारी आरबीसी है बाइकेव होने से क्या फायदा है हमारी आरबीसी को बेटा तो याद रखेंगे हमारी आरबीसी है और इसका फायदा हमारे लिए क्या है बच्चा इसकी वजह से आरबीसी का सरफेस एरिया क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है सो so, मतलब हमारी आरबीसी ने सारी सेलाज को हटा दिया इससे फायदा क्या हुआ इससे फायदा हुआ हम ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन ऐड कर सकते हैं हमारी आर बी सी का शेप बेटा बाइकॉन केव है इससे क्या फायदा हुआ इससे फायदा हुआ कि हम सरफेस एरिया को क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं बेटा समझ गए ना अब बिकॉज हमारी आरबीसी के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं है दैट ऑल्सो मीन्स बेटा माइटोकोंडेरिया भी नहीं होगा कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं होने का मतलब कोई भी नहीं मतलब माइटोकोंडेरिया भी नहीं है तो अगर आर बी सी में माइटोकोन्डेरिया नहीं है तो बताइए बेटा विथाउट माइटोकोंडेरिया आर बी सी एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या एन एरोबिक रेस्परेशन करेगा सो ऑफकोर्स बेटा वेरी गुड तो क्या करेगा एन एरोबिक रेस्परेशन करेगा बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकोंडेरिया का होना क्या होता है जरूरी होता है एसेंशियल होता है अगर माइटोकोन्डेरिया नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं है सो so बिकॉज हमारी आरबीसी में हमारी आरबीसी में कोई भी सलॉग्लिन नहीं होता है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस भी नहीं होता है सो बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ माइटोकोंडेरिया बेटा आरबीसी क्या करता है ये एरोबिक रेस्पायरेशन करता है समझ गया ना बच्चा यहाँ तक अब इसके अलावा आपको याद रखना है कि अगर मैं आर के अंदर इधर मैं लिख देता हूं अगर मैं आर के अंदर साइज की बात करूँ तो याद रखेंगे बेटा आरबीसी जो होता है उसका सेवन टू एट माइक्रोमीटर डायमीटर होता है ठीक है डायमीटर कितना होता है आर का सेवन टू एट बेटा समझ गए ना और अगर मैं इसके बेटा विड्थ की बात करूँ तो टू माइक्रोमीटर इसका क्या होता है विड्थ होता है टू माइक्रोमीटर इसका विड्थ होता है समझ गए और एक आरबीसी के अंदर बेटा कितना हीमोग्लोबिन आप ऐड कर सकते हैं टू हंड्रेड एट्टी मिलियन हीमोग्लोबिन मतलब 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक आरबीसी के अंदर हम ऐड कर सकते हैं बेटा सो so अगर आप ध्यान से देखेंगे ना अगर मैं इधर दिखा दूँ मान लीजिए फॉरन ये एक आर है बेटा है ना अब ना तो इस आर के अंदर न्यूक्लियस है ना तो इस आर के अंदर बेटा कोई सेल ऑर्गेनली है समझ आया था तो फिर इसमें है क्या इसमें बेटा फिर क्या होगा ओनली हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ही और क्या होगा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा बेटा सो दिस सेमी परमेबल मेमरीन ऑफ आर बी सी या दिस प्लाज्मा मेमरीन ऑफ आर बी सी बेटा इज नोन एज डोनैन्स मेम्ब्रेन इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं डोनैन्स मेम्ब्रेन बेटा या इसको आप लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज डोनैन्स मेम्ब्रेन और लिमिटिंग मेम्बरेन बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए याद रखेंगे सो द नेम ऑफ आर बी सी इज नोन एज द आरबीसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं तो आरबीसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन और लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं और याद रखेंगे बेटा ये मेम्ब्रेन जो होता है ना ये परमेबल होता है बेटा दो मॉलिक्यूल्स के लिए एक मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन और एक को हम बोलते हैं क्लोराइड आयन बेटा सो दिस मेम्ब्रेन इज परमेबल फॉर बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन बेटा और जो मैं ऑलरेडी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा चुका हूं दिस मूवमेंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन इज कॉल्ड एज इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं बेटा यही तो मैंने पढ़ाया था इसको हम क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे किसके लिए शेप एंड साइज ऑफ़ आर के लिए ठीक है मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ तो आर में आपने याद रखा टोटल नंबर ऑफ़ आर इज़ कॉल्ड एज टोटल आर काउंट मेल्स में बेटा 5.0 पॉइंट जीरो टू फाइव मिलियन है फीमेल्स में 4.5 पॉइंट फाइव टू फाइव मिलियन है एंड न्यूबॉर्न बेबी में 6.5 पॉइंट फाइव मिलियन है बेटा ठीक है कैलकुलेट करने के लिए हम इंस्ट्रोमेंट को यूज़ करते हैं इंस्ट्रोमेंट इज कॉल्ड एज हीमोसाइटोमीटर अगर आर का नंबर डिक्रीज हो रहा है कंडीशन इज कॉल्ड एज इर्थ्रोसाइटोपीनिया एंड अगर आर का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है बेटा कंडीशन इज कॉल्ड एज और एंड नॉर्मली बेटा पॉलिसाइथी में हमें कहाँ देखने को मिलता है हाई अल्टीच्यूड पे देखने को मिलता है बाय द हेल्प ऑफ ए हार्मोन विच इज कॉल्ड एज एरथ्रोपोटन एंड प्रोसेस को हम एरथ्रोपोस बोलते हैं शेप एंड साइज की बात करें तो सारे वटेब्रेड्स में ये बाईकॉन्वेक्स है सारे वटेब्रेड्स में बेटा ओवल है, है सारे वटेब्रेड्स में ये है एक्सेप्ट मैमल्स तो फिर मैमल में क्या है तो मैमल में ये सर्कुलर होता है बाई कॉन्केव होता है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड होता है लेकिन न्यूक्लियस आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है कैमल में देखने को मिलता है एंड लामा में देखने को मिलता है अब हमारी आरबीसी के पास कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं होती है बेटा सो बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ सेल ऑर्गेनलीज हम ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसके अंदर भर सकते हैं और हमारी आरबीसी बाई कॉन्केव होती है बिकॉज इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है बच्चा समझ गया ना एंड याद रखेंगे माइटोकोन्ड नहीं है तो इस वजह से आर बी सी एरोबिक रेस्परेशन नहीं दिखाती है ये एन एरोबिक रेस्परेशन दिखाती है बच्चा समझ गया ना एक आर बी सी का डायमीटर सेवन पॉइंट एट सेवन टू एट माइक्रोमीटर के आसपास होता है एंड उसका विड टू माइक्रोमीटर के आसपास का होता है और एक आर बी सी के अंदर आप टू हंड्रेड एट्टी मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एड कर सकते हैं बच्चा ठीक है सो दिस इज रिगार्डिंग शेप एंड साइज ऑफ आर बी सीज आई होप अगेन आपने नोट डाउन किया होगा बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अभी हम आगे बढ़ जाते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ना है बेटा रिगार्डिंग आरबीसी दैट इज लाइफ स्पैन ऑफ आर बेटा लाइफ स्पैन ठीक है सो so सिंपल सी बात है बिकॉज हमारी आरबीसी के पास न्यूक्लियस है ही नहीं एंड न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल को कंट्रोल करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है बेटा सो इन एबसेंस ऑफ न्यूक्लियस बेटा हमारी आर जो है वो मैक्सिमम ज़िंदा कितने दिनों तक रहती है यानी लाइफ स्पेन आर का बेटा हमारे ब्लड के अंदर कितना होता है 120 डेज होता है मतलब मैक्सिमम 120 दिन ये ज़िंदा रहती जैसे ही इसके 100 दिन 20 दिन जिंदा पूरे हो गए मान लीजिए ये आर है बेटा ये 120 दिन जिंदा रही ब्लड में सो so आफ्टर 120 डेज बेटा जैसे ही ऐसी आर लिवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर से गुजरती है बेटा लिवर एंड स्प्लीन के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जिन सेल्स को हम नाम देते हैं कफर सेल्स जिन्हें हम कफर सेल्स बोलते हैं या रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं तो ये कफर सेल्स या ये रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स क्या करती है बच्चा ये इन आर को तोड़ देती है इनको ब्रेक करती है समझ गए ना लेकिन 120 डेज के बाद तो दिस ब्रेक डाउन ऑफ आर बेटा इन लिवर इन स्प्लीन बाय द हेल्प ऑफ कफर सेल्स और रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स बेटा आफ्टर 120 डेज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हीमोलाइसिस बेटा इसको हम क्या बोलते हैं हीमोलाइसिस बोलते हैं तो हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ़ आरबीसी होता है एंड ब्रेक डाउन क्यों करना पड़ता है बिकॉज आर का लाइफ स्पेन बेटा खाली 120 डेज का होता है बिकॉज उसमें न्यूक्लियस व्यूक्लियस नहीं होता है बच्चा और ये कौन करता है ये लिवर एंड स्प्लीन करता है और किसकी वजह से करता है बिकॉज लिवर एंड स्प्लीन के अंदर स्पेशल माइक्रोफेड्स होती है दीज माइक्रोफेड्स आर कॉल्ड एज कफर सेल्स और रेटिकुलर एंडस जो आरबीसी को फिर क्या करती है तोड़ देती है बच्चा समझ आया ना सो so बिकॉज सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन आरबीसी का स्प्लीन में होता है बच्चा तो इस वजह से स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं इसको हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं बिकॉज मैक्सिमम ब्रेकडाउन आरबीसी का कहां होता है स्प्लीन में ही होता है बच्चा समझ गए तो यह आपने लाइफ स्पेन के बारे में याद रखा कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है क्यों उसको ब्रेकडाउन किया जाता है और कहां पर उसका ब्रेकडाउन होता है बच्चा अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ये एनसीईआरटी में नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए आप इसको ध्यान से समझे तो हम अभी पढ़ेंगे बेटा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी को कैसे बनाया जाता है और कहां पे बनाया जाता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बेटा सबसे पहले याद रखेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस 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 का मतलब क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ आर बी सी होता है प्रोडक्शन ऑफ आर बी सीज और फॉर्मेशन ऑफ आर बी सीज इज़ कॉल्ड एज एरथ्रोपोसिस ठीक है एरथ्रोपोसिस कहाँ होता है बेटा ये बॉडी के अंदर स्पेशल ऑर्गन में होता है दोज ऑर्गन आर कॉल्ड एज एरथ्रोपाइटिक ऑर्गन बेटा तो एरथ्रोपोटिक ऑर्गन का मतलब दोज ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर बी सी वो ऑर्गन्स बेटा जो आरबीसी प्रोडक्शन में यूज होते हैं आरबीसी फॉर्मेशन में यूज होते हैं सच ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स बेटा तो पहला क्वेश्चन तो इधर से एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखेंगे बच्चा आपकी लाइफ का पहला एरथ्रोपोटिक ऑर्गन जो होता है मतलब जहां पर आपकी लाइफ में पहली बार ब्लड सेल्स बनती है वो यॉक्सैक होता है योक्सक एक एमिक मेमरी है बेटा तो सबसे पहली बार आपकी बॉडी में आर बी सी कहाँ बनती है उस टाइम पे आप फीटल लाइफ में ही होते हैं आप मदर के बेटा यूट्रस में ही होते हैं मदर की बॉडी के अंदर ही आपका ग्रोथ हो रहा होता है तो उस समय पहली बार जब आपकी बॉडी के अंदर बेटा आरबीसी का प्रोडक्शन शुरू होता है वो प्रोडक्शन कौन शुरू करता है वो यॉक सैक करता है तो पहला एर्थ्रोपोटिक ऑर्गन बॉडी का कौन होता है सैक होता है इसको ऐसे याद रखना ठीक है सैक के बाद बेटा आपकी बॉडी में जो सेकंड प्रोडक्शन इरेथ्रोसाइड्स का होता है अब यॉक्सैक ने अपना काम किया ठीक है ना और बच्चे की भी बेटा आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती गई एक समय ऐसा आता है बच्चा कि बच्चे की बॉडी के अंदर क्या बनने लगता है लिवर। मतलब प्रोडक्शन चलता ही रहता है अब बच्चे का ग्रोथ भी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है और एक समय ऐसा आएगा बेटा जब बच्चे के अंदर क्या बनने लगेंगी बच्चे के अंदर बेटा लिवर का फॉर्मेशन होने मतलब बच्चे के अंदर अब लिवर बन गया जैसे ही बच्चे के अंदर लिवर का फॉर्मेशन होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है बेटा हमारी बॉडी यॉक्सेक के अंदर से बेटा प्रोडक्शन को बंद कर देती है मतलब अभी तक हम आर को सी को में बना रहे थे बिकॉज हमारे पास लिवर अभी फुल्ली फॉर्म नहीं हुआ था और जिस दिन आपकी बॉडी में लिवर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा लिवर पूरी तरीके से बनेगा अब बॉडी क्या करती है बेटा बॉडी यॉक्सेक से, से आर को बनाना बंद कर देती है और आर को बनाने का काम किसको सौंपा जाता है लिवर को सौंपा जाता है सो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी का सेकेंड एर्थरोपोटिक ऑर्गन जो होता है बेटा वो कौन होता है वो आपका लिवर होता है बच्चा समझ रहे ना सो मतलब सेकेंड एर्थरोपोटिक ऑर्गन कौन है लिवर है समझ रहे सो मतलब किसी जमाने में किसी समय बेटा आपकी बॉडी के अंदर लिवर क्या कर रहा था आपकी बॉडी के अंदर लिवर आपके लिए आर प्रोडक्शन कर रहा था बेटा तो इस वजह से लिवर को भी हम क्या मानते हैं एरथ्रोपोटिक ऑर्गन ही मानते हैं समझ गए अब लिवर बन गया बच्चा तो लिवर एरथ्रोपोस er करता रहेगा अब लिवर बनने के बाद अब सप्लीन का फॉर्मेशन भी होगा बिकॉज कभी ना कभी सप्लीन भी तो बनेगा सप्लीन भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है बेटा और जिस समय आपकी बॉडी के अंदर स्प्लीन का फॉर्मेशन होता है अब आपकी बॉडी क्या करती है बेटा अब आपकी बॉडी लिवर से ये काम छीन के मतलब लिवर से इस काम को बंद करा के बेटा ये काम किसको दिया जाता है ये आपके सप्लीन को दिया जाता है सो दैट मीन्स नेक्स्ट एथ्रोपोटिक आपकी बॉडी ऑर्गन बेटा आपकी बॉडी का कौन होता है सुप्लीन होता है अब ये लिवर एंड सुप्लीन बेटा आपकी बॉडी में आरबीसी बनाते रहेंगे बनाते रहेंगे टिल बच्चे का जन्म नहीं हुआ मतलब जिस समय बच्चे का जन्म होगा बेटा आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड अब आरबीसी प्रोडक्शन लिवर में खत्म हो गया आरबीसी प्रोडक्शन स्प्लीन में खत्म हो गया अब ये प्रोडक्शन बेटा हमेशा के लिए कौन ले लेता है हमारी बून लेती है बेटा मतलब फाइनल प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का कहाँ होता है बेटा बोन मैरो में होता है कौन से बून मैरो में रेड बोन मैरो में सो so, मतलब आफ्टर बर्थ बेटा ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है रेड बून मैरो में होता है यानी एरथ्रोपॉयसिस कहाँ होता है बेटा रेड बोन मैरो में होता है समझ गए ना सो so ये या आप याद रखेंगे ये क्या है बेटा ये एरथ्रोपॉइसिस के ऑर्गन्स है तो हमारी बॉडी के अंदर हिमाटोपॉयसिस बोलो हिमाटोपॉयिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन और हिमाटोपॉयसिस में अगर मैं खाली आर का फॉर्मेशन बोलूँ तो आर का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा वो होता है एरथ्रोपोटिक ऑर्गन्स में फॉर्मेशन ऑफ आर इज कॉल्ड एज इरुथ्रोपॉयसिस जो सबसे पहले यॉक्सैक में होता है फिर लिवर में होता है फिर स्प्लीन में होता है और फिर रेड बून मैरो में होता है समझ गए ना ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बेटा अब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन के लिए बेटा ठीक है ना या एयरथ्रोपोइसिस के लिए आयरन का होना और प्रोटीन्स का होना जरूरी होता है बिकॉज आयरन एंड प्रोटीन से हीमोग्लोबिन बनता है और अगर हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में बन रहा है तो आरबीसी का प्रोडक्शन भी क्या होता है बेटा अच्छे से होता है ये तो फॉर्मेशन के लिए चाहिए ठीक है ना तो हीमोपोइसिस के लिए बेटा हीमोपोइसिस मतलब ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन एंड प्रोटीन जरूरी होते हैं लेकिन आरबीसी को मैच्योर करने के लिए बेटा मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी के लिए फॉर्मेशन के लिए आयरन एंड प्रोटीन चाहिए बट आरबीसी को मैच्योर करने के लिए क्या चाहिए बेटा विटामिन बी ट्वेल्व चाहिए समझ आया ना इसी वजह से बेटा विटामिन बी ट्वेल्व को हम क्या बोलते हैं ई एम एफ बोलते ई एम एफ का मतलब होता है एरोथ्रोसाइट मैच्यिंग फैक्टर बेटा इसको हम क्या बोलते हैं एरुथ्रोसाइड मैचुर फैक्टर बोलते हैं तो ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग है तो ब्लड फॉर्मेशन के लिए बेटा एरिथ्रोपोएसिस के लिए आयरन एंड प्रोटीन जरूरी है या हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए बेटा आयरन एंड प्रोटीन जरूरी है लेकिन आरबीसी को मैच्योर करने के लिए बेटा विटामिन बी ट्वेल्व जरूरी होता है तो इसको आप याद रखेंगे अब कैसे होती है हमारी बॉडी में बेटा आर फॉर्मेशन इसको एक बार समझ लेते हैं होता है क्या है बच्चा कि हमारी बॉडी के अंदर बून मैरो में एक सेल रहती है बेटा विच इज़ कॉल्ड एज एच एस सी ध्यान से देख लीजिए मैं इधर हटा देता हूँ इसको हमारी बॉडी के अंदर बून मैरो में एक पेरेंट सेल पाई जाती है सो विच इज़ कॉल्ड एज एच एस सी बेटा एच एस सी का फुल फॉर्म होता है हीमो स्टेम सेल ठीक है ना मैं इधर लिख देता हूं सो दिस सेल इज कॉल्ड एज पॉइटिक स्टेम सेल मतलब ये वो सेल है बेटा जो आपकी बॉडी के अंदर सारे ब्लड को बनाती है सारे ब्लड को बनाने का मतलब यही वो सेल है जो आरबीसी बनाएगा यही वो सेल है जो डब्ल्यू बनाएगा और यही वो सेल है बेटा जिससे कभी आगे जाके प्लेटलेट्स भी बनेंगे बेटा ठीक है ना अब ये एच सेल जो है ये हमारी मैरो के अंदर पाई जाती है बेटा ठीक है ना अब इस एच सेल के ऊपर बेटा दो तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है मतलब ये एच सेल बेटा दो तरीके की <coughs> सेल्स को जन्म देती है या दो तरीके की सेल्स को बनाती है बेटा सो so अब इन दो सेल्स में से एक सेल को हम बोलते हैं माइलॉयड प्रोजिनेटर प्रोजेनेटर बेटा वन सेल इज कॉल्ड एज माइलॉइड प्रोजिनेटर ठीक है एंड अनदर सेल इज कॉल्ड एज लिम्फॉइड प्रोजिनेटर बेटा एनदर इज कॉल्ड एज लिम्फॉय प्रोजिनेटर, लिम्फॉयड प्रोजी बेटा ठीक है तो ये दोनों सेल्स कहाँ से बन गई ये हीमोपोटिक स्टेम सेल से एच एस सेल से एच एस सी सेल से बन गई बेटा अब एच एस सी सेल कब माइलॉयड प्रोजिनेटर को बनाएगी कब लिम्फॉयड प्रोजिनेटर को बनाएगी इस चीज को चेक करने के लिए बेटा दो प्रोटीन्स का होना जरूरी होता है वन इज कॉल्ड एज जी ए टी ए प्रोटीन वन ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है बेटा मतलब हिमेटोपोटिक स्टेम सेल का ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होगा दैट इज कंट्रोल बाय जी ए टी ए वन और जी ए टी ए टू बेटा ठीक है क्लियर हो गया तो जी ए टी ए एक प्रोटीन है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बेटा ठीक है ना जो किस में मदद करता है या तो वो माइलाइड फॉर्मेशन में मदद करेगा या तो वो लिम्फॉइड फॉर्मेशन में मदद करेगा अगर जी ए टी ए वन बन गया तो सेल माइलाइड फॉर्मेशन करेगी और अगर जी ए टी ए टू बन गया तो सेल लिम्फॉइड फॉर्मेशन करेगी समझ गए ना अब इस माइलाइड फॉर्मेशन के अंदर बेटा कौन कौन से सेल का फॉर्मेशन होता है तो ये आप ध्यान से देखें यहाँ से माइलाइड प्रोजिनेटर आगे जाके अलग अलग सेल्स को बनाएगा जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल को बनाता है बेटा जिसको हम नाम देते हैं इर साइट प्रोजीनेटर बेटा तो इसने एक सेल बनाया जिसको हम इर्थ्रोसाइट प्रोजीनेटर बोलते हैं ठीक है थीके? दिस इरथ्रोप्राइट प्रोजीनेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रो, प्रो एरथ्रो ब्लास्ट बेटा इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रो ब्लास्ट बेटा मतलब ये सेल फॉर्मेशन जो यहां पे हो रहा है ना ये वो सेल है बच्चा जो आगे जाके किसको बनाने वाला है जो आगे जाके आर बी सी को बनाने वाला है समझ गए ना सो so, मतलब माइलॉइड प्रोजिनेटर ने आगे जाके एक सेल बनाया इज कॉल्ड एज बनायाटर या प्रो एरथ्लास्ट इसको बोलते हैं और ये प्रो एरथ्रोब्लास्ट बेटा आगे पे इसका फॉर्मेशन कराएगा आर बी सी का या एरथ्रोसाइड का फॉर्मेशन कराएगा समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं अब यही माइलॉइड प्रोजिनेटर जो है ध्यान से देख लीजिएगा यही माइलाइड प्रोजीनेटर जो है बेटा इट कैन ऑल्सो फॉर्म इट कैन ऑल्सो फॉर्म मैगा कैरियोसाइट प्रोजिनेटर इट कैन ऑल्सो फॉर्म मैगा कैरियोसाइट प्रोजिनेटर बेटा और ये मैगा कैरियोसाइट प्रोजिनेटर बेटा आगे किसको बनाता है ये आगे जाके थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट को बनाता है सो इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइड्स और प्रोजिनेटर बेटा ये भी कहाँ से बन रहा है माइलॉइड ब्रांच से ही बन रहा है बेटा समझ गया ना अब यही माइलॉइड प्रोजिनेटर जो है बेटा इट कैन ऑल्सो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइड प्रोजिनेटर मोनोसाइट प्रोजेनेटर बेटा सो इट कैन ऑल्सो फॉर्म मोनोसाइट प्रोजिनेटर एंड मोनोसाइट प्रोजिनेटर बेटा आगे किसको बनाता है वो आगे मोनोसाइट को बनाता है बेटा वो आगे जाके मोनोसाइट को बनाता है ठीक है और आपको ऑलरेडी पता है बेटा यहाँ आगे पढ़ाऊंगा भी आपको मोनोसाइट बेटा आगे जाके दो तरीके की हो सकती है ठीक है मोनोसाइट एक मैक्रोफेज हो सकती है मोनोसाइट एक मैक्रोफेज हो सकती है या मोनोसाइट एक डेंड्रेटिक सेल भी हो सकती है तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें अभी हम ज्यादा में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये फिर लंबा हो जाएगा तो ये ऐसे होता है ठीक है इधर से बेटा इसी माइल प्रोजिनेटर से और एक सेल भी बन सकता है जिसको हम बेसोफिल प्रोजिनेटर बोलते हैं बेसोफिल प्रोजिनेटर बोलते हैं जो फिर आगे आपको क्या बनाएगा ऑफकोर्स वो बेसोफिल्स बनाएगा बेटा समझ गए ना एंड सिमिलरली यहां से इोसुनोफुल प्रोजिनेटर भी बनेगा एंड न्यूट्रोफिल प्रोजेनेटर भी बनेगा क्लियर है ना अब अगर मैं लिम्फॉइड ब्रांच की तरफ आता हूँ ध्यान से देख लीजिए बेटा लिम्फॉइड ब्रांच के ऊपर बेटा और एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है विच इज कॉल्ड एज आई कैरॉस विच इज कॉल्ड एज आई कैरोस बेटा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है और ये क्या करता है बच्चा ये इस लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल से तीन अलग अलग सेल्स को फॉर्म करवाता है ठीक है ना द फर्स्ट सेल इज कॉल्ड एज एन के सेल प्रोजिनेटर बेटा मैं प्रोजिन शॉर्ट में लिख देता एन के सेल प्रोजिनेटर और एन के सेल प्रोजिनेटर आगे जाके किसको बनाती है नेचुरल किलर टी सेल को बनाती है बेटा ये बड़ी खतरनाक सेल्स होती है आगे पढ़ेंगे हम इनको बेटा यही सेल बेटा आगे जाके बी सेल प्रोजिनेटर को बनाती है बी सेल प्रोजिनेटर को बनाती है बेटा ठीक है ना और बी सेल प्रोजिनेटर जो है वो आगे जाके दो तरीके की बी सेल्स बनाती है वन इज कॉल्ड एज बी वन बी सेल इज कॉल्ड एज बी टू बी सेल बेटा बी वन बी सेल एंड बी टू बी सेल समझ गए ना और यही सेल आगे जाके किसको बनाती है टी सेल प्रोजिनेटर को भी बनाती है बेटा ठीक है ना और फिर टी सेल बेटा आगे जाके अल्फा बी टी सेल बनता है या गामा डेल्टा टी सेल बनता है तो मतलब आप ध्यान से देख सकते इस टेबल को कि इस टेबल से हमको पता चल रहा है कि पूरे ब्लड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है बेटा हिमाटोपोटिक स्टेम सेल कर रहा है और इस पूरे ब्लड फॉर्मेशन में हम डिटेल में किसको देखेंगे एरथ्रोसाइड प्रोजिनेटर को देखेंगे या आर बी सी के फॉर्मेशन को देखेंगे ठीक है ना तो मैं इधर एक और पेज ऐड करता था आप ध्यान से देखिए तो होता क्या है बच्चा ध्यान से देखिए हुआ ये कि एच एस सी सेल मतलब हिमाटोपोटिक स्टेम सेल से अगर मैं हिमाटोपाइटिक स्टेम सेल को यहाँ पे बना सकता हूँ तो ये सेल कुछ ऐसी होती है दिखने में बेटा मतलब एक लार्ज साइजेड सेल है जिसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी मिलता है बेटा सो ये एच सेल हो गया ठीक है ना सो दिस एच सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीमोसाइटोब्लास्ट दिस इज कॉल्ड एज हीमोसाइटोब्लास्ट बेटा ये कहां पे ये भी बून मैरो के अंदर है बेटा है ना ये हीमोसाइटोब्लास्ट क्या चाहता है बेटा ये चाहता है कि आरबीसी बने तो आर बनाने के लिए इसने क्या किया इसने और एक सेल का फॉर्मेशन कर दिया बच्चा जो सेल कुछ ऐसा दिखेगा इसने और एक सेल का फॉर्मेशन कर दिया सो दिस न्यूली फॉर्मड सेल जो अभी यहाँ पे बन रही है बच्चा दिस न्यूली फॉर्मड सेल इसमें थोड़ा मेम्रेन में अलग से कर देना सो दिस न्यूली फॉर्मड सेल जो यहाँ पे बन गई इसके पास भी आपको न्यूक्लियस मिलेगा देर इज ऑल्सो न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइडेड बेटा ठीक है एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है सो दिस सेल इज़ कॉल्ड एज प्रो एरथ्रोब्लास्ट बेटा दिस इज कॉल्ड एज प्रो एरथ्रोब्लास्ट प्रो एरथ्रोब्लास्ट ठीक है तो ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बन गया बेटा समझ गए ना तो हीमोसाइटोब्लास्ट अगर आरबीसी बनाना चाहे सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बेटा वो क्या करता है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाता है अब जैसे ही प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ तो प्रो एयथ्रो क्या करता है बच्चा ये आगे जाके कन्वर्ट होगा एनदर सेल के अंदर जैसे मान लीजिए फॉर ये सेल बन गया अभी बेटा यहां पे ठीक है और इस सेल के पास भी आपको क्या मिलेगा इसके अंदर भी आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा बेटा एक लार्ज सेजड न्यूक्लियस मिलेगा तो ये लार्ज सेजड न्यूक्लियस मिल गया दिस सेल इज नाउ कॉल्ड एज अर्ली एयथ्रो दिस इज कॉल्ड एज अर्ली ब्लास्ट ये अर्ली एर्थ्रो ब्लास्ट हो गया बच्चा समझ गए ना अब जिस समय इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जिस समय बेटा आपके बून मैरो के अंदर अर्ली इर्थ्रोब्लास्ट बनता है अर्ली एर्थ्रो ब्लास्ट के अंदर बेटा राइबोसोम फॉर्मेशन होता है राइबो सोम सिंथेसिस होता है अब क्यों होता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा अब अर्ली एयरथ्रो बेटा अब आगे जाके और एक सेल में कन्वर्ट होता है बेटा जिसका साइज थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा ये और एक सेल में कन्वर्ट हुआ बेटा मान लीजिए ये वो सेल है और इस सेल के पास भी न्यूक्लियस मिलेगा आपको यहां पे भी आपको एक लार्ज साइज और न्यूक्लियस मिलेगा नाउ दिस सेल इज कॉल्ड एज लेट एयर ठीक है ना बच्चा और जिस समय बेटा लेट इर्थ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है ना लेट इर्थ्रोब्लास्ट क्या करता है वो अपने अंदर हीमोग्लोबिन स्टोर करना शुरू करता है हीमोग्लोबिन स्टोरेज सो मतलब हमने ये राइबोसोम क्यों बनाया था हमने राइबोसोम सिंथेसिस इसलिए किया था ताकि हम एक प्रोटीन बनाना चाहते थे जिस प्रोटीन को हम क्या बोलते हीमोग्लोबिन बोलते हैं सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन राइबोसोम का होना बहुत जरूरी होता है अब लेट इर्थ्रोब्लास्ट क्या करेगा बच्चा लेट इर्थ्रोब्लास्ट क्या करेगा उसका साइज फर्दर डिक्रीज होगा बेटा ये ऐसा डिक्रीज हुआ साइज इसका एक एवरेज साइज की तरफ ही बढ़ रहा है ठीक है तो अब इस पॉइंट पे ये सेल क्या करता है ये न्यूक्लियस को बाहर फेंकता है बेटा मान लीजिए फॉर ऐसे में से दिखा रहा हूं तो ये न्यूक्लियस बाहर आ गया ये न्यूक्लियस बाहर आ गए बेटा इसको हम इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं तो इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस यहां पे हुआ इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस और जिस स्टेज पे बेटा इर्थ्रोब्लास्ट न्यूक्लियस को इजेक्ट करती है ना दिस स्टेज इज कॉल्ड एज नॉर्मोब्लास्ट बेटा इसको हम नॉरमो बोलते हैं एंड नॉर्मल ब्लास्ट से आगे क्या होगा बच्चा अब ये आर है ना अभी आर अभी भी वैसे है बट अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है बेटा सो दिस आर बी सी विच इज़ विथाउट न्यूक्लियस जिसने जस्ट अभी अभी न्यूक्लियस को रिमूव किया है इसको हम रेड टी क्यूलोसाइट बोलते हैं बेटा और जैसी ये रेटिकुलोसाइट ब्लड के अंदर आता है बेटा ब्लड के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं एरथ्रोसाइट बोलते हैं आर बी सी बोलते सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आर बी सी बेटा समझ गए ना सो so, मतलब हमारी आरबीसी के पास हमेशा से न्यूक्लियस एबसेंट नहीं था उसके पास किसी जमाने में न्यूक्लियस प्रेजेंट था तो फिर उसने न्यूक्लियस कहां रिलीज किया नॉर्मल ब्लास्ट रिलीज किया फिर वो क्या बन गई बेटा फिर वो आरबीसी दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या शॉर्ट में इसी को हम क्या बोलते हैं एरेथ्रो बोलते हैं और इरेथ्रो के हर स्टेज पे बेटा आपको क्या चाहिए विटामिन बी ट्वेल्व चाहिए विटामिन बी ट्वेल्व चाहिए विटामिन बी ट्वेल्व चाहिए सो ऑन एंड सो फोर्थ सो यही रीजन है बेटा कि विटामिन बी ट्वेल्व मैच्यशन के लिए क्या होता है ज़रूरी होता है आर बी सी को बदलने के लिए क्या होता है बेटा ज़रूरी होता है क्लियर हो गया सो दिस इज अबाउट आर बी सीज बेटा आई होप आर बी सी का आपको कोई भी अभी कन्फ्यूजन नहीं रह गया अब मैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बता देता हूँ बिकॉज हीमोग्लोबिन एग्जाम के लिए ज़रूरी है तो इसलिए थोड़ा सा एक दो लाइन हीमोग्लोबिन के बारे में बनता है बेटा एक चीज ऑलरेडी आपको पता है हीमोग्लोबिन है क्या हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन है हमारी आरबीसी के अंदर जिसका काम क्या होता है बेटा जिसका काम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा आप याद रखेंगे हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आपको चाहिए बेटा फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ हीम ठीक है ना अभी हीम क्या है इसको मैं आपको अलग से भी समझाऊंगा बेटा तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आपको चार मॉलिक्यूल हीम के चाहिए और चार प्रोटीन चाहिए बेटा जिनको हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं सो so, एक हीमोग्लोबिन मॉलक्यूल तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके पास चार हीम नहीं होंगे और चार पॉलीपेप्टाइड नहीं होंगे बेटा ठीक है ना अब ये हीम क्या चीज़ है बेटा तो जब हम हीम को डिटेल में पढ़ते हैं हमें पता चलता है दैट हीम एक्चुअल में बेटा फोर पोर फायर रिंग्स होती है हीम एक्चुअल में फोर पोर फायर रिंग्स होती है बेटा जो जुड़ी रहती है किसके साथ आयरन के साथ और आयरन एफ ई टू पॉजिटिव फॉर्म में पाया जाता है फेरस फॉर्म में पाया जाता है so, सो मतलब फेरस फॉर्म ऑफ आयरन प्लस फोर पायरफर एन रिंग्स बेटा दे टुगेदर फॉर्म फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ हीम बेटा वो हीम बनाती है समझ गया ना और प्रोटीन जो यहां पे आप देख रहे हैं बेटा ये प्रोटीन दो तरीके का होता है एक कॉम बोलते हैं बेटा एल्फा पेप्ट एक कॉम बोलते बीटा पेप्टाइड सो इसमें से बेटा दो होते हैं टू अल्फा ग्लोबुलिन और दो होते हैं बेटा टू बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन तो टोटल कितने हो गए टोटल चार ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गए तो इन सब से जोड़ के बेटा जब आप इन सबको जोड़ते हो आपस में इन सबको जोड़ने से बेटा किसका फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है समझ गए ना अब इसमें से सबसे पहले मैं हीम को बना के दिखाता हूं कि हीम क्या होता है तो अगर मैं एक हीम मॉलिक्यूल को बनाऊँ तो एक हीम के पास बेटा आपको आयरन मिलेगा और इस आयरन के साथ बेटा आपको चार पोर फायर रिंग्स जुड़ी हुई मिलती है ऐसे ठीक है तो ये एक पोर फायर रिंग हुआ बेटा ऐसे ये दूसरा पोर फायर हुआ ऐसे ये इधर से तीसरा पोरफायरिन हुआ ऐसे और ये एक पोरफाइर है बेटा इधर से समझ गए ना सो so ये जो स्ट्रक्चर आप यहां पे देख रहे हैं ना इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज हीम और फिर यहां से कौन जुड़ेंगे बेटा पॉलीपेप्टाइड 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 और सब मिलके क्या बनाएंगे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो ये सिंपलीफाइड फॉर्म में आप हीमोग्लोबिन याद रखें अब हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा उसके भी टाइप्स होते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्स फटाफट से मैं बता देता हूँ हीमोग्लोबिन जो एक हमारी बॉडी में होता है वो एक जैसा नहीं होता है बेटा हीमोग्लोबिन के तीन मेजर टाइप्स पाए जाते हैं जिसपे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे एक को हम बोलते हैं बेटा हीमोग्लोबिन एमोग्लोबिन ए वन ठीक है दूसरे को हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन ए टू एंड तीसरे को बोलते हैं हीमोग्लोबिन ए थ्री सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन ए वन जो होता है अच्छा ये याद रखें हीमोग्लोबिन ए वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो ओवरऑल यूनिवर्स में बेटा ए वन को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन बोलते हैं ये नाइन्टी सिक्स परसेंट पाया जाता है पॉपुलेशन में ठीक है हीमोग्लोबिन ए टू जो है ना बेटा इसको म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बोलिए म्यूटेशन की वजह से बन गया इसको हम म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बोलते हैं ये बिकॉज ऑफ म्यूटेशन बना हुआ है ठीक है और अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन के अंदर बेटा दो से लेकर तीन परसेंट हिमोग्लोबिन जो होता है ना वो म्यूटेंट टाइप होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जो फ्यूटस में हीमोग्लोबिन होता है दिस इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन ए थ्री ये खाली कहाँ मिलेगा फीटस में मिलेगा ये फीटस के अलावा आपको देखने को नहीं मिलता है और ये वन टू टू परसेंट होता है ठीक है अब हीमोग्लोबिन ए जो है बेटा इसके जो तीन फॉर्म है इनमें डिफरेंस क्या है इनमें सिमिलरिटी है कि इसमें भी अल्फ़ा चेन मिलेगा इसमें भी अल्फ़ा चेन मिलेगा इसमें भी अल्फ़ा चेन मिलेगा तो सिमिलरिटी इनके एल्बम है लेकिन ए वन के अंदर बेटा जो सेकंड चेन होता है ना वो बीटा होता है ए टू के अंदर जो है ना बेटा वो सेकंड चेन डेल्टा होता है एंड ए थ्री के अंदर बेटा सेकंड चेन गामा होता है मतलब ये तीन हीमोग्लोबिन चेन्स में से डिफरेंस किस में आता है सेकंड चेन में आता है इसमें सेकंड चेन बीटा है इसमें सेकंड चेन डेल्टा है एंड इसमें सेकंड चेन गामा है बेटा समझ आया बच्चा सो तो ये है तीन टाइप्स ऑफ हिमोग्लोबिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको याद होने ही होने चाहिए सो तो ये हमने आज आर को डिस्कस किया बेटा आर क्या है कैसा है कहाँ पे है बच्चा सो आई होप आपको आर समझ आया होगा तो आज मैं इधर ही टॉपिक फिनिश कर दूंगा तो इनशाला नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा अच्छा आरबीसी को एक बार एनसीआर से पढ़ लेते हैं एनसीआर में क्या लिखा आर बी के बारे में ठीक है ना तो so, एनसीआर में लिखा है बच्चा एरेथ्रोसाइड्स और रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल सेल्स इन द ब्लड मैंने पहले ही बोला था लास्ट क्लास में आर मिलियंस में होती है डब्ल्यू बी थाउजेंड्स में होती है एंड थ्रोम्बोसाइट्स लैक्स में होती है तो सबसे कम डब्ल्यू है उससे ज्यादा प्लेटलेट है और उससे ज्यादा आर है इसलिए सबसे ज्यादा होती है ब्लड में ए हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन मेल के अंदर 5 टू 5 मिलियन है फीमेल में 4.5 टू 5 है एंड बच्चे में 6.5 पॉइंट फाइव है आर बी सीज आर फॉर्मड इन रेड बून मैरो इन द अडल्ट अडल्ट के अंदर आर बी सी रेड बून मैरो में बनता है मतलब अडल्ट का एरथ्रोपोटिकर्गन रेड बून है बट बिसाइड्स रेड बून स्प्लीन लिवर एंड यॉक एक भी एरथ्रोपोटिक ऑर्गन होते हैं आर आरबीसी न्यूक्लियस इन मोस्ट मैमल्स आरबीसी के अंदर बेटा मैमल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है एक्सेप्ट कैमल एंड लामा बेटा और आरबीसी बाइक उनकी भी होती है बाइकन के का फायदा शेप का सरफेस uh, एरिया को इंक्रीज कराने का होता है एंड सेल ऑर्ग्नली ना होने का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भरने का होता है दे हैव रेड कलर बिकॉज इनमें पाया जाता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हिन्स द कलर एंड नेम ऑफ दी सेल्स ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज टेल्व टू सिक्सटीन ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक इंडिविजुअल के अंदर हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है बेटा ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूँ तो अगर मैं मेल्स की बात करूँ बेटा तो मेल में आपको मिलेगा फोटीन टू सिक्सटीन ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन बेटा पर हैंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड और अगर मैं फ़ीमेल की बात करूँ बच्चा तो फीमेल में मिलता है बारह ग्राम पर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड तो मतलब मेल्स के पास हीमोग्लोबिन ज़्यादा है फीमेल्स में कम है अब इन्होंने बेटा ट्वेल्व टू सिक्सटीन दिया तो आपको याद रखना ये ट्वेल्व किसके लिए बेटा फ़ीमेल के लिए और ये 16 किसके लिए बेटा ये मेल के लिए ठीक है ना दीज मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है ये गैसवेस एक्सचेंज में मदद करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में मदद करते हैं आर का लाइफ स्पेन कितना होता है बेटा वन डेज का होता है इसके बाद बेटा इसको स्प्लीन में ब्रेक किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आर बोलते हैं तो ये आर के बारे में एन में लिखा है बट हमने एन से ज़्यादा यहाँ पे आपको बता दिया बच्चा ठीक है सो दिस इज़ ऑल फॉर आर बी टूडे इनशाला नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा डब्ल्यू बी सी में बहुत कुछ पढ़ाना है मेरे को तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे डब्ल्यू बी सी को पढ़ेंगे एंड इनशाला थ्रोम्बोसाइड्स को पढ़ेंगे तो विद दिस फिर हमारा ब्लड खत्म हो जाएगा फिर ब्लड ख़त्म करने के बाद हम हार्ट की तरफ आते हैं ठीक है तो पढ़ते रहिए बेटा मेहनत करते रहिए इनशाला मैं आपको नेक्स्ट क्लास में देखूंगा टेक केयर एंड खुदा